परिश्रम का फल। हेलो दोस्तों, आप लोगों का आपके यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है, जिसका नाम है चीकी लिखी टीवी। तो चलिए आज मैं आपको एक ऐसी स्टोरी सुनाती हूँ जो कि आपको बहुत ही पसंद आएगी। तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और स्टोरी को पूरा ज़रूर सुनिएगा। परिश्रम का फल। जी हाँ दोस्तों, देखते हैं परिश्रम का क्या फल है। एक बार किसी महापुरुष के पास एक युवक आया और बोला, आप मेरी सहायता कीजिए, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरे पास इस समय फूटी कौड़ी भी नहीं है। महापुरुष ने उसकी परेशानी सुनने के बाद कहा, मेरा एक दोस्त व्यापारी है, वह इंसानी आँखों को खरीदता है, तुम्हारी आँखों के 20,000 तो दे ही देगा। जी नहीं, मैं अपनी आँखें नहीं बेच सकता, युवक घबरा कर बोला। महापुरुष ने एक बार और प्रयास किया, वह हाथों को भी खरीदता है, तुम्हारे हाथों की कीमत 15,000 रुपये दे देगा। युवक ने घबरा कर इनकार करने के लिए सिर हिलाया और बोला, मुझे आपसे यह उम्मीद नहीं थी। महापुरुष उसकी नाराज़गी से विचलित हुए बिना बोले, मुझे तुम्हारी परेशानी का एहसास है, इसीलिए मैं कहता हूँ तुम्हारे लिए इस तरह का सौदा बहुत अच्छा होगा। अगर तुम्हें मालदार बनना है तो 1,00,000 रुपए लेकर पूरा शरीर बेच दो, परेशानियों से हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाएगी। युवक चीख कर बोला, 1,00,000 तो क्या, मैं 1,00,00,000 में भी अपना शरीर नहीं बेचूंगा। इस पर महापुरुष ने मुस्कुरा कर कहा, जो व्यक्ति अपना शरीर 1,00,00,000 में भी नहीं बेच सकता, वह कैसे कह रहा है कि उसके पास कुछ भी नहीं है। यह पूरा शरीर एक खजाना है, ईमानदारी से मेहनत करो। सोना चांदी तो क्या, सूरज चांद भी तुम्हारे हाथ में आ सकते हैं। अब युवक उनके मतंत को समझ गया और बोला, मैं आपका बेहद आभारी हूँ, आपने मेरी आंखें खोल दी। यह कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और पसंद आती है कहानी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, जिससे कि हमारे वीडियोस की अपडेट और नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकन को दबाइएगा, जिससे कि आपको हमारी वीडियो देखने में आसानी होगी। सो दोस्तों, मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, हैव अ नाइस डे।